बाय द वे कांग्रेस के राज में अगर 25 पैसा तेल बढ़ गया तो उसके लिए वो बाबा पेट अपना हा करके पूरे पब्लिक को डरा देता था। आज वो कौन सी बिल में छिप गया कि आज तक दिखाई नहीं दे रहा। माझी एवढीच विनंती असेल गव्हर्नमेंटला की तुमची भांडणं थांबवा, कोणाचीही सरकार येऊ द्या पण बाबा माणसांना मारू नका, मेन पब्लिक आहे, पब्लिकचा पहिले विचार करा। केंद्र कोण करतं, महाराष्ट्र मतलब ये गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट कोण आहे, पळवता राज्य गव्हर्नमेंट में, अरे पळवता क्या है, जनता को पळवता है। अरे ये खटमल है, खटमल जो केंद्र में बैठा खटमल। राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये होणाऱ्या कुरघोडींबद्दल सामान्यांना काय वाटतं आपण ते जाणून घेणार आहोत। त्यांच्या बजेटला काय परवडतं आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ह्या ज्या दोघं सरकार आहेत आता खरं बघायला गेलं ना तर हे यांच्यावर चाललंय, हे यांच्यावर विरुद्ध बोलतात आणि हे लोक यांच्या विरुद्ध बोलतात, हे चाललंय। याच्यामध्ये काय माहिती आहे का, केंद्र सरकार या सरकारला बोलते आणि ही सरकार त्या सरकारला बोलते, पण याच्यामध्ये मरतोय कोण, सामान्य माणूस। समजलं, कोण मरतं, सामान्य माणूस। तर मला असं वाटतं की ते एकमेकांवर म्हणतात ना की एकमेकांवर बोलत बसण्यापेक्षा ना जरासा सामान्य माणसाचा विचार करा आणि काहीतरी पेट्रोलचे दर जे ते कमी करा, माणसाला परवडलं पाहिजे असं काहीतरी करा। यांच्या भांडणामध्ये माणूस साधा माणूसच मरतोय बस, बाकी काही नाही। असं माझी एवढीच विनंती असेल गव्हर्नमेंटला की तुमची भांडणं थांबवा, कोणाचीही सरकार येऊ द्या पण बाबा माणसांना मारू नका, मेन पब्लिक आहे, पब्लिकचा पहिले विचार करा, त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे ते करा। एक बाबा रहा करते थे जब कोई योगा सिखाते थे, उनका नाम रामदेव शायद है। लोगों से बोलते थे काला धन आएगा तो 15 लाख हर आदमी के खाते में जाएगा, अगर बाय द वे कांग्रेस के राज में अगर 25 पैसा तेल बढ़ गया तो उसके लिए वो बाबा पेट अपना हा करके पूरे पब्लिक को डरा देता था। आज वो कौन सी बिल में छिप गया कि आज तक दिखाई नहीं दे रहा। रोज 10 रुपया बढ़ रहा है, 57 रुपया से 125 रुपया पेट्रोल हो गया। बढ़ता है, पेपर न्यूज में आता है, आज तक वो दिखाई नहीं दे रहा हो बाबा गया कहाँ। कभी बढ़ गया, कभी नया नेट सिस्टम है, कभी बढ़ गया, कभी। और रामदेव बाबा से हमारा सवाल है, क्या लगता है कि अभी केंद्र सरकार बोल रहा है कि राज्य सरकारों को कम करना चाहिए भाई, टैक्स कम करना चाहिए, और राज्य सरकार बोलते हमको परवड़ता नहीं उसको। अरे भाई परवड़ता क्या है, उसको नहीं पड़ोता, केंद्र को नहीं पड़ोता, महाराष्ट्र मतलब ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पड़ोता, राज्य गवर्नमेंट पे, अरे पड़ोता क्या है, जनता को पड़ोता है। अरे ये खटमल है, खटमल जो केंद्र में बैठा खटमल, वो ऐसा काटते खून चूसते किसी को पता नहीं चलेगा आदमी कब मर गया और कब गया। केंद्र की जो सरकार है वो खटमल है, खटमल खटमल समझते हो ना सर, अगर वो बदन में चली गई कपड़े के नीचे तो ऐसा काटती ऐसा काटती आपका ऐसा खून निकाल लेगा कि पता नहीं चलेगा आदमी कब डेट हो गया। ये ऐसा केंद्र सरकार है, समझो कि पगार 20,000 मिला तो 10,000-15,000 तो ऐसे ही चला जाएगा, रूम का खर्चा, भाड़े का खर्चा, सब ये सब है खर्चा, फिर हमें कहाँ से देंगे, ऐसा बहुत सारी तकलीफें, बहुत तकलीफ है, क्या बोलेंगे। स्टेट से वो लोग टैक्स कम करके लेंगे तो ये लोग भी कम करेंगे, वो लोग ज़्यादा मांग के लेते हैं इसके लिए उन लोग को बढ़ाना पड़ता है। कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ आने वाला नहीं, मीटर बढ़ने वाला नहीं, और लोग जो हाथ पे काम करने वाले हैं, डेली मजूरी करने वाले, उनका पगार बढ़ने वाला नहीं, बाकी सब चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। स्पेयर पार्ट का रेट कितना, 4-10 गुना बढ़ा दिया है स्पेयर पार्ट का रेट। हमारा कमाई उतना होता है क्या, एक स्पेयर पार्ट डालने के लिए जाएगा तो 500-700-800-1000 रुपये निकल जाता है। जितना कमा रहे थे हम लोग का पैसा बढ़ ही नहीं रहा भाड़े वाड़े का, लेकिन CNG पेट्रोल का बहुत महंगाई हो रहा है, तो यह सब केंद्र का है। कांग्रेस में इतनी महंगाई नहीं थी, कोई भी चीज़ लेने जाओ, लेकिन अभी ज़्यादा महंगाई है। केंद्र सरकार बोलते हैं कि हिंदुस्तान अपना वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कुछ नहीं है, सब महंगाई तो बढ़ रही है, हर चीज़ पे महंगाई है। बस हम लोग यही चाहते हैं सरकार से थोड़ा प्राइस कम हो जाए, बाकी हर चीज़ पर महंगाई हो रहा है, तेल पर भी आज के टाइम में कितना रेट बढ़ गया है, 170 रुपये तेल हो रहा है, कैसे करेगा गरीब आदमी। और अभी हम लोग भी धूप में डिलीवरी करते हैं, लेकिन कंपनी देता है पेट्रोल का प्राइस, लेकिन उतना नहीं देता जितना है, 2.95 रुपीज़ देता है, 2.95 में क्या होएगा पर किलोमीटर पे। अभी आज के टाइम में कम से कम 4 रुपये किलोमीटर भी देगा कंपनी, तब जाके भी अपन भी ये सोचता है चल भाई चल जाएगा, लेकिन आज के टाइम में भाई सब चलता नहीं, पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया है। नक्की काय चाललंय, कोणाला काही पडलेली नाही, सगळे आपल्या हिशोबाने चाललेत, कोण काय चाललंय, कुठे कोणता भाव वाढतोय, कोणाला काही पडलेली नाही, सरकार एक बाजूने वाजवते आणि दुसऱ्या बाजूने पब्लिक वोट करून त्यांनाच परत आणते, असं चाललंय। आज पेट्रोलचे भाव तुम्ही बघाल तर नॉर्मली 100-120 रुपये चालू आहे, कुठे होतं पेट्रोल, आज 120 वर आलं आहे काय, म्हणजे याला अर्थ आहे की नाही, कोण लक्ष देणार आहे नाही देणार आहे। जर असं जर चालत राहिलं तर काही दिवसांनी तर आम्हाला गाड्या घरी ठेवून सायकलवर यायला लागेल।